So in last lecture, we have solved this sum, this question up to statement of excess capital means this. See here, we have made statement of excess capital. Okay. Now, after statement of excess capital, what will come? Aja. After statement of excess capital, what will come? See, now after statement of excess capital, we have to do what? Order of payment. What we have to do? Order of payment, right? Order of payment. So in this order of payment, first we have to take what? Liabilities. Liabilities, A1. Liabilities. Now, as you all know, liabilities में order क्या बताया मैंने steps, order of payment में सबसे पहले provide for realization expense. So आ जाओ. So very first, liabilities में we have to provide for realization expense. So first, provide for what? Realization expenses. Provide for realization expenses. कितना बेटा वो provide for realization expenses 4000. See this one, जो कि last lecture में हमने देख लिया है बेटा पूरा. You can see here 4000 realization expenses were estimated at 4000. Means provide for realization expenses what? 4000. Now, चलो realization expense के बाद क्या order आता आपका? Contingent liability. But contingent liability is not there in the question. ठीक है? So next क्या आएगा? Contingent liability के बाद क्या आएगा बेटा? Outside liability. So outside liability में अपने पास क्या है? Creditors. So pay to sundry creditors. Pay to what बेटा? Sundry creditors. So you can see here creditors. Creditors amount is what? 24,000. बराबर है? Pay to sundry creditors. Now after that, after outside liability, क्या आता बेटा आपका? Partners loan. Yes. So pay to partners loan. Partners loan means Sunil's loan. Yes, very good. Well done, Carol. So pay to partners loan में कौन सा loan है बेटा? Sunil's का loan. Sunil loan. See, you can see here. Sunil loan is there. Sunil loan. Got it? So what? Pay to Sunil's loan. Yeah, partners Sunil loan. Partner Sunil loan. That is 21,200. Right? Pay to Sunil loan. That is 21,200. Got it? So this is what? Liabilities. Now the next step after liabilities. चलो लाइब्रेरीज अपना डन, प्रोवाइड फॉर रिलेशन एक्सपेंस डन, क्रेडिटर्स डन, सुनील लोन डन. अब बचा क्या? पार्टनर्स लोन के बाद क्या आता बेटा? पार्टनर्स कैपिटल. सो पार्टनर्स कैपिटल के लिए जो ओनर से रिलेटेड है उसको सेपरेटली दिखा देते हैं बेटा. पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल रिलेटेड. अब पार्टनर्स व्हाट? कैपिटल. सो पार्टनर्स कैपिटल, राइट? अब देखो पार्टनर्स कैपिटल में भी फर्स्ट क्या करना है आपने को? व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट? सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल आपने देखा है. आ जाओ इधर. सी स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल द वेरी फर्स्ट. सी हियर स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल जो बनाना वो सबसे इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको क्या दिख रहा है? यू कैन सी फर्स्ट वी हैव टू पे दिस अमाउंट 10,480. याद रखना. First pay to whom? Who is this? Neil, right? First pay to Neil. That is amount is what? 10,480. फिर उसके बाद next ये दोनों.
बराबर है, सुनील एंड नील, तो ये दोनों का मिला के टोटल कितना हो गया 4800 प्लस 1920, कितना हो गया 6720। नेक्स्ट किसको पे करना है अपने को, सुनील एंड नील, ये दोनों का टोटल 6720 टू सुनील एंड नील, बराबर है। रेशियो क्या है 5:2। अच्छे, तो ये जो पार्ट है ना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में याद रखना दिस पार्ट, लास्ट का ये पार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लास्ट में क्या रहेगा, फर्स्ट वाला जो लास्ट है दिख रहा है ये लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट उसको फर्स्ट पे करना है आपको, फिर जस्ट उसके ऊपर देखने का, ऊपर में आपके पास सुनील का 4800 है और नील का 1920 है, तो दोनों मिला के अपने को पे करना है। तो उसको लिखना कैसे अपने को, हाउ टू राइट इट, आ जाओ उसको दिखाना कैसे अपने, आ जाओ सी, फर्स्ट पे टू नील, फर्स्ट पे टू नील रुपीस कितना बेटा 10,480, राइट। एंड आफ्टर दैट फिर ऑर्डर क्या रहेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट रुपीस कितना है बेटा 6720। अब ये 6720 कैसा आया पता है ना, ये देखो ये ऑर्डर याद रखना, अभी 6720 आपको कैसे मिला, ये 4800 प्लस 1920, गॉट इट, जस्ट उसके ऊपर देखने का, तो 4800 प्लस 1920 इधर ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, 4800 प्लस 1920, ठीक है। नेक्स्ट 6720 टू किसको पे करना है, ये सुनील एंड नील, बराबर सुनील एंड नील, रेशो क्या है पता ही है आपको, सुनील एंड नील का रेशो क्या है 5:2, बराबर दैट इज पीएसआर, इन पीएसआर, ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, राइट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट हो गया तो फिर बाद में क्या करना है अपने को, सिर्फ फॉर्मेट में अरेंज करना है सब, और लास्ट में फाइनली ये होने के बाद फाइनली जो भी बैलेंस आएगा वो फाइनली सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो ये सब ऑर्डर ऑफ पेमेंट, सब पेमेंट करने के बाद अगर कुछ सरप्लस बचा, इफ देयर इज एनी सरप्लस, देन दोस सरप्लस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स इन देयर पीएसआर, क्योंकि आपको थियरी में पता है मैंने, ठीक है। सो फाइनली बैलेंस टू ऑल, जो भी बैलेंस बचेगा वो टू ऑल इन रेशो क्या है 5:3:2, दैट इज इन पीएसआर, इन पीएसआर, पीएसआर मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट, बराबर है, क्लियर, यस। हाँ बेटा, अनिल को नहीं पे करेंगे क्योंकि अनिल का कोई एक्सेस कैपिटल नहीं था ना बेटा, समझे, कभी भी देखने का इधर, सी हियर, यहां लास्ट में किसका आ रहा है एक्सेस कैपिटल वो देखने का, ये एक्सेस कैपिटल मेथड है ना, लास्ट में किसका एक्सेस आ रहा है, बराबर है, सुनील और नील का, अनिल का तो हो गया ना नील, अनिल का कोई एक्सेस नहीं है तो अनिल को नहीं पे करेंगे हम लोग, लास्ट में किसका एक्सेस बच रहा है वो देखो, बराबर है, सुनील और नील का ही है, तो सबसे पहले 10,480 पे करो नील को, फिर उसके बाद जस्ट ऊपर का देखो 4800 प्लस 1920 सुनील और नील को, अनिल को कुछ नहीं है, अनिल का तो नील हो गया ना बेटा, अनिल का कोई एक्सेस है ही नहीं तो उसको पे क्यों करोगे आप, बराबर है, याद रखना, इसीलिए तो बोलते हैं इसको स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, जिसमें आपको लास्ट का देखना है, लास्ट में किसका एक्सेस आया, क्लियर, बराबर बच्चा, यस। चलो तो आपका ये डन हो गया बेटा, ये आपका पूरा ऑर्डर ऑफ पेमेंट हो गया, अब यही ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपको डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे फॉलो करना है, अभी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे ना, सेम ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपको फॉलो करना है, दैट्स इट, तो इसलिए ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट दिखा देने का, इससे आपका स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी वेरी इजी, राइट। So, चलो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट हो गया, चलो नोट डाउन कर लो फटाफट सब लोग, इसका ज्यादा बाकी है स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आ जाओ अब स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन,
statement of distribution. चलो अभी statement of distribution बनाएंगे, ये अपलोड करूंगा मैं, इसका वीडियो अपलोड करूंगा, डोंट वरी. यस बेटा करूंगा तो बताऊंगा, नहीं मिलेगा तो बाद में पर्सनली मेरे को भेज देना, मैं भेज दूंगा. चलो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट फॉर्मेट बना लेते हैं, आ जाओ. लेट्स मेक अ फॉर्मेट. डिस्ट्रीब्यूशन वेरी सिंपल, आ जाओ. अभी देखो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल तो आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा, सबसे लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल. थ्री पार्टनर्स आर देयर, सुनील अनिल एंड नील. राइट, थ्री पार्टनर्स एंड आफ्टर दैट, ठीक है, ये थ्री पार्टनर्स सबसे फाइनल होगा, ये तो पता ही है. राइट, अब आपको पता है एकदम लाइबिलिटी के ऑर्डर में जाने का बेटा, लाइबिलिटी जो लाइबिलिटी है उसी ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ पेमेंट जो आपको पता है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट सेम ऑर्डर ऑफ पेमेंट यू हैव टू फॉलो. चलो लास्ट का पार्टनर्स कैपिटल हो गया. अभी देखो इजी करने के लिए इधर पहला नंबर्स का कॉलम या डेट, फिलहाल तो इधर डेट हो जाएगा, डेट का कॉलम, देन डेट के बाद ये पर्टिकुलर्स, ठीक है. पर्टिकुलर्स के बाद आपको बनाना है कैश अवेलेबल, कितना कैश अवेलेबल है. क्योंकि कैश के बेसिस पे आप बाइफरकेट करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ठीक है, कैश अवेलेबिलिटी. फिर कैश अवेलेबल के बाद चलो लाइबिलिटीज में सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस तो वो तो प्रोवाइड कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं है. क्रेडिटर्स का कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, क्रेडिटर्स का, बराबर है, क्रेडिटर्स का कॉलम एंड सुनील लोन का कॉलम, ठीक है. तो आ जाओ, क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना है अपने को, क्रेडिटर्स और सुनील लोन. तो रेगुलर कैश अवेलेबल, क्रेडिटर्स एंड सुनील लो. देखो अभी ये सब अपना ऑर्डर में आ जाएगा. सो सबसे पहले इधर डेट हो गया, पर्टिकुलर्स, हियर कैश अवेलेबल, ठीक है, इधर आपका क्रेडिटर्स का पेमेंट, इधर सुनील लोन, सुनील लोन का पेमेंट, एंड देन पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल में कौन है, सुनील, अनिल एंड नील, ठीक है. पार्टनर्स कैपिटल में आपके पास है सुनील, अनिल एंड नील, ये पार्टनर्स कैपिटल, लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल. तो ये आपका फॉर्मेट रेडी, ठीक है. चलो अब सबसे पहला स्टार्ट करने का आपको किससे, बैलेंस से. बैलेंसेस क्या, बैलेंसेस है, सी कैश अवेलेबल का बैलेंस आप क्वेश्चन में देख सकते हो, यू कैन सी हियर, क्वेश्चन देखो, कैश अवेलेबिलिटी कितनी है अपनी, इधर कैश अवेलेबल दैट इज 9600 है, 9600 कैश अवेलेबल है, कैश इन हैंड. सो दिखा देना है, सो कैश अवेलेबल बैलेंस इज व्हाट, 9600, ओके, कैश अवेलेबल. फिर आपका क्रेडिटर का बैलेंस कितना है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का बैलेंस आप यहां देख सकते हो लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर का बैलेंस है 24000, ठीक है, क्रेडिटर का बैलेंस 24000, सुनील लोन 21200, बराबर है. फिर पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस, उसके लिए आपने देखो स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाया, देखो इधर
यहां से भी देख सकते हो आप डायरेक्टली कैश अवेलेबल आपको बैलेंस शीट से मिल गया। उसके बाद क्रेडिटर का बैलेंस कितना है, क्रेडिटर को कितना पे करना है 24,000, तो 24,000 का बैलेंस। देन सुनील लोन इज व्हाट 21,200, 21,200। पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में बेटा आप गलती से भी ये मत लिख देना बैलेंस शीट का है, दिख रहा है ना पार्टनर्स कैपिटल, सी ये अमाउंट मत डाल देना। अब ये अमाउंट में एडजस्टेड कैपिटल किया है ना आपने, बराबर है, जनरल रिजर्व ऐड करके बाद, जनरल रिजर्व आफ्टर एडिंग जनरल रिजर्व देयर इज एन अमाउंट ना बेटा, सो आफ्टर एडिंग जनरल रिजर्व कितना अमाउंट आया था उसके लिए आप देख सकते हो अपना स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, देख लो उधर आपको मिल जाएगा स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, सी हियर, ये दिख रहा है स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में कैपिटल रिजर्व प्लस जनरल रिजर्व ऐड किया, मतलब जो कैपिटल बैलेंस था आपका, सी हियर कैपिटल बैलेंस प्लस जनरल रिजर्व, सो योर एडजस्टेड कैपिटल इज व्हाट 48,400 सुनील, अनिल का 26,160 एंड फाइनली कितना है बेटा अपना 29,840, याद रखना ठीक है, मालूम पड़ा, ओके चलो आ जाओ। सो 48,400, 26,160 एंड 29,840, राइट, सो सुनील 48,400, अनिल 26,160 एंड नील इज व्हाट 29,840, दिस इज व्हाट बैलेंस, क्लियर। चलो नाउ ये आपका बैलेंसेस आ गया, कैश अवेलेबल, क्रेडिटर, सुनील लोन एंड देन पार्टनर्स कैपिटल में सुनील, अनिल एंड नील, ओके गॉट इट। चलो नाउ अब अपने को सबसे पहले क्या करना बेटा, सी ऑर्डर ऑफ पेमेंट, सी द ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहला आपको क्या प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड फॉर व्हाट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यू कैन सी हियर प्रोवाइड फॉर व्हाट, रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो आ जाओ, सो अब इधर दिखाना लेस, लेस व्हाट बेटा, केप्ट फॉर, केप्ट असाइड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस या प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस, केप्ट असाइड फॉर व्हाट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। Kept aside for what beta, realization expenses, kitna amount hai 4000, barabar hai, realization expense ke liye kitna tha beta apna 4000 na beta, clear, so 4000 got it। Chalo uske baad realization expense done na, realization expense ke liye provide kar diya, now second one is what, pay to sundry creditors, pay to what, sundry creditors। चलो तो नाउ नेक्स्ट फिर से लेस, अपना वही अभी लेस लिखा ही है ना, तो डायरेक्टली आप दिखा सकते हो फिर पे टू व्हाट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो चलो दिखा दे दो इधर लेस, पे टू नेक्स्ट अपना क्या है, पे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। अच्छा बेटा केल्सी ले लो सब लोग, एवरीवन कैलसी ले लेना अपना, अभी 9600 माइनस, ये क्या करना है आपको, माइनस करना है ठीक है, लेस करना है ना, तो 9600 माइनस 4000 कितना बचा, 5600, मतलब अपने पास क्रेडिटर्स को पे करने के लिए सिर्फ कितना बैलेंस है इधर, 5600 ओनली, हाउ मच, 5600 ओनली, इतना ही बैलेंस है अपने पास, क्लियर है। चलो तो अभी क्रेडिटर्स दिख रहा है, 5600 पे किया और क्रेडिटर्स का कॉलम दिख रहा है आपको, क्रेडिटर्स का कॉलम, तो क्रेडिटर्स के कॉलम में 5600 दिखा देना, बराबर है, और जिसको डाउट होता है माइनस करना है कि क्या है, तो वो ब्रैकेट में डाल सकता है ऐसे, बराबर है, और नहीं डालना है पता चल रहा है माइनस है तो कोई इशू नहीं, जिसको डाउट रहता है तो ब्रैकेट में पुट कर सकता है कि भाई माइनस करना है, ठीक है। चलो अभी देखो कैश अपना नील हो गया,
जब कैश नील हो जाएगा ना तो बैलेंस निकाल लेने का, बराबर है? तो क्या करने का बेटा, बैलेंस निकाल लो। चलो इधर कैश नील हो गया आपका, पता है ना, कैलसी लो, 9600 माइनस 4000 माइनस 5600, तो इधर बैलेंस विल बी नील। तो आ जाओ बैलेंस, ये कैश अपना इधर नील हो गया, 24,000 माइनस 5600 कितना आ गया? यस, परफेक्ट, शाबाश बेटा, वेल डन हर्ष, वेल डन केयर ऑल, 18,400, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, बाकी सब तो कंटिन्यूड सेम, 48,400, 26,160, 29,840, ठीक है, राइट? चलो नेक्स्ट, अभी कैश खत्म हो गया, अब कैश आएगा किधर से बेटा? रियलाइजेशन से। किधर से आएगा? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के लिए देखो, क्वेश्चन देखो, फर्स्ट रियलाइजेशन आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर, फर्स्ट रियलाइजेशन, असेट्स वेर रियलाइज्ड एज अंडर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रियलाइज हुआ है 61,280। तो आ जाओ, सो फर्स्ट रियलाइजेशन शो हियर, फर्स्ट रियलाइजेशन है बेटा, फर्स्ट रियलाइजेशन, असेट बेचा तो इतना पैसा आया, चलो कितना आ रहा है, 61,280। चलो ठीक है, अपने पास 61,280 आ गया। अब इसमें से हम लोग अपना जो लाइबिलिटीज है वो पे ऑफ करते हैं। चलो, सो लेट्स पे ऑफ आर लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में क्या ऑर्डर था अपना? देखो, लाइबिलिटीज में हम लोग क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर रहे थे, क्रेडिटर्स को अभी तक आपने कितना पे ऑफ किया है? सिर्फ 5600। अभी क्रेडिटर्स अपना बैलेंस बाकी है, 18,400 का बैलेंस है। तो चलो, लेस पेड टू क्रेडिटर्स, देखो अपने पास बैलेंस 61,280 है ना, तो आराम से 18,400 आप पे कर सकते हो कि नहीं, दैट्स इट। और क्रेडिटर्स में शो कर देना 18,400 गया, ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो बेटा, क्रेडिटर्स अपना गया, हो गया क्रेडिटर्स अपना सेट ऑफ हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, क्रेडिटर्स के बाद कौन सा लाइबिलिटी आएगा? सुनील लोन। सुनील लोन को कितना पे करना है आपको? 21,200। सुनील लोन का बैलेंस कितना है? 21,200। तो आ जाओ, लेस पेड टू सुनील लोन, क्या बेटा? पेड टू या पेड सुनील लोन, पेड सुनील लोन कितना अमाउंट है? सुनील लोन 21,200। तो 21,200 आ जाना, सुनील लोन के कॉलम में भी दिखा देना 21,200। देखो 21,200 का कैश गया, तो सुनील लोन में भी दिखाना पड़ेगा ना कि कैश गया, सुनील लोन भी अपना कम हो गया, ठीक है, सेट ऑफ हो गया। और जरा कैलसी लेके रखना, कैलसी में 61,280 माइनस 18,400 माइनस 21,200, अभी अपने पास कितना कैश अवेलेबल है? अच्छा, अवेलेबल है मतलब 21,680 अभी भी अवेलेबल है, वेरी गुड, वेल डन निष्ठा, वेल डन नंदनी, वेल डन आर्यन, परफेक्ट। चलो ठीक है, अब सुनो, अब बेटा सब पे ऑफ हो गया अपना, क्रेडिटर्स भी डन, सुनील लोन ऑल्सो डन, बचा क्या? पार्टनर्स कैपिटल। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में आ जाओ, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, क्रेडिटर्स भी डन, सुनील लोन डन, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले अपने को क्या पे करना पड़ेगा? पे टू नील 10,480। तो आ जाओ, सो लेस पे टू नील, मतलब पे टू नील कितना? 10,480। तो नील किधर है? नील लास्ट में, तो 10,480 इधर दिखा देना, ठीक है, बराबर है? यस, वेरी गुड, वेल डन नंदिनी, वेल डन आर्यन, वेल डन प्रणव, परफेक्ट, 10,480। चलो अभी देखो 10,480 आपने पे कर दिया, जरा कैश का बैलेंस देख के रखना, कैलसी लेके रखना और कैश का बैलेंस, कैलसी अपना लेके रखो और कैश देखना,
क्योंकि जब भी कैश नील होगा तो अपने को बैलेंस निकालना पड़ेगा 61,280, 18,400, फिर अपना माइनस 21,200, फिर आपने कितना पे किया 10,480. तो अभी भी अपने पास कैश कितना बाकी है 11,200. वेरी गुड, वेल डन इस्टा, वेल डन हर्ष, वेल डन आर्यन, वेल डन प्रणव, वेल डन कैरल, परफेक्ट. तो अभी भी अपने पास कैश है 11,200. चलो अब आ जाओ ऑर्डर ऑफ पेमेंट में. 10,480 पेड, उसके बाद नेक्स्ट कितना पे करना है अपने को 6,720 पे करना है. 6,720 आराम से पे कर सकते हैं बिकॉज अपने पास कैश अवेलेबिलिटी अभी 11,200 है. तो आ जाओ लेस क्या कैलसी में वही सेम पेड टू किसको बेटा सुनील एंड नील. पेड टू सुनील एंड व्हाट बेटा नील इन विच रेशो 5:2 तो पता ही है. टोटल मिला के कितना हुआ था 6,720 और बेटा 5:2 में आप बाइफरकेट करोगे तो वही आएगा ना जो आपने किया था स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में. देख लो बाइफरकेट करके 6,720 डिवाइड बाय 7, 5+2 7 डिवाइड बाय 7 कर दो मल्टीप्लाइड बाय 5 = 2 = तो कितना आ रहा है सेम अमाउंट. सुनील के लिए अपना 4,800 एंड नील के लिए है 1,920. That's it. दोनों का टोटल अपना 6,720 है. क्लियर. चलो ये भी हो गया. अब कैलसी में माइनस करना. कैलसी में 11,200 है माइनस 6,720. अभी भी अपने पास कैश अवेलेबल है 4,480 का बैलेंस. यस और नो चेक करो कैलसी साथ में रखना. 4,480 अभी भी अवेलेबल है नाउ राइट. सो वी हैव द कैश ऑफ 4,480. अब देखो ऑर्डर ऑफ पेमेंट देखो. पार्टनर्स कैपिटल में ये पेड हो गया 10,480. नेक्स्ट 6,720 भी पेड हो गया अपना. अब क्या है बेटा बैलेंस टू ऑल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो बैलेंस अभी कितना बचा अपने पास. यस अपने पास बैलेंस बचा है कैश में 4,480. तो बस पेड टू क्या करना है अपने को पेड टू ऑल. पेड टू ऑल इन 5:3:2 जो रेशियो है अपना 5:3:2 में. चलो तो अभी ये जरा 4,480 को 5:3:2 में बाइफरकेट करो. 4,480 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 = 3 = 2 = कितना आया. वेल डन एवरीवन. तो चलो तो पहले वाले का आ रहा है बेटा अपना 2,240. सेकेंड वाले को आ रहा है 1,344 राउंड ऑफ कर लेंगे और थर्ड वाले को आ रहा है 896. शाबाश परफेक्ट ठीक है. चलो अब अपना कैश खत्म हो गया. कैश खत्म मतलब बैलेंस. फिर बैलेंस निकाल लो. कैश फिनिश ना अभी बैलेंस निकालो आ जाओ. सो नाउ टेक अ बैलेंस. चलो तो बैलेंस में इधर कैश अपना नील हो गया. ये भी अपना नील. लाइब्रेरी फिनिश. ये भी लाइब्रेरी फिनिश. अब इधर आना 48,400 माइनस 4,800 माइनस 2,240 कितना आ रहा है. ओके 41,360 वेरी गुड. फिर 26,160 माइनस 1,344 कितना आया. ओके 24,816 परफेक्ट. 24,816 ओके. फिर 29,840 माइनस 10,480 माइनस 1,920 माइनस 896 तो फाइनली कितना बैलेंस आ रहा है 16,544. क्या बात है. परफेक्ट आंसर. परफेक्ट ठीक है 16,544. यस वेल डन एवरीवन. चलो तो फर्स्ट रियलाइजेशन हो गया कैश नील. अब आ जाओ अब क्वेश्चन में देखो. सेकंड रियलाइजेशन है अपने पास. यू कैन सी हियर सेकंड रियलाइजेशन. सेकंड इंस्टॉलमेंट का रियलाइजेशन आ जाओ दिखा देते हैं अभी. सो नाउ सेकंड इंस्टॉलमेंट रियलाइजेशन से कितना आया. कितना कैश आया सेकंड में 28,720.
28,720। चलो बेटा अब ये पूरा कैश अपने को क्या करना है, सब तो हो ही चुका है, अब सरप्लस अमाउंट क्या करना है अपने को, पेड किसको करना है, पार्टनर्स को, मतलब अभी जो बचा अमाउंट है वो सब पार्टनर्स को देना है, पार्टनर्स का कैपिटल पे ऑफ करना है। पेड टू ऑल, पेड टू ऑल इन 5:3:2, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल अभी बाकी है ना। चलो तो 28,720 पूरा, अब इसको 5:3:2 में बायफर्केट करो, कितना आ रहा है, ओके 40, पहले वाले का आ रहा है 14,360, वेरी गुड। सेकंड वाले का कितना आ रहा है 8,616, शाबाश। और लास्ट में फाइनली 5,744, क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है चलो अब क्या निकाल लो अपना बैलेंस, तो बैलेंस के लिए नेक्स्ट पेज यूज करता हूं मैं, फॉर्मेट वही सेम। अब इधर देखो, इधर है ना नेक्स्ट पेज पे अपने फॉर्मेट में सिर्फ क्या बना रहा हूं मैं, लाइब्रेरी कौन सी बाकी है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल ना, तो तीन ही कॉलम बना रहा हूं मैं, पूरा नहीं, थ्री कॉलम्स, सुनील अनिल नील, बाकी सारी लाइब्रेरी तो पे हो चुकी है। स्टेप स्टेप पर्टिकुलर्स और कैश अवेलेबल लिख देता हूं मैं इधर, ये स्टेप हो गया, पर्टिकुलर्स, कैश अवेलेबल, फिर सुनील अनिल एंड नील। देखो बाकी कॉलम क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बाकी सारी लाइब्रेरी तो पे हो चुकी है ना बेटा, क्रेडिटर्स पे हो चुका है, सुनील लोन पे हो चुका है, तो उसका बनाने की क्या जरूरत है अपने को, कोई मतलब ही नहीं है ना, उधर तो अमाउंट कुछ आएगा ही नहीं वैसे भी, क्योंकि ये सब तो खत्म हो गया, फिनिश। ठीक है चलो आ जाओ बैलेंस निकालो, अभी बैलेंस, बैलेंस में थे ना बेटा हम लोग, बैलेंस, सो बैलेंसेस, तो बैलेंस कैसे निकालेगा, आ जाओ इधर, तो कैश नील हो गया अपना, फिर इधर आ जाओ, 41,360 माइनस 14,360 कितना आया 27,000, ओके। नेक्स्ट वाला 16,200, ओके, और लास्ट 10,800, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश, परफेक्ट परफेक्ट, मालूम पड़ा, यस, देख लो प्रीवियस स्लाइड देख लो एक बार, ठीक है, बस वो माइनस किया, बैलेंस कितना बचा इधर, कैश का बैलेंस नील हो गया, फिर ये माइनस किया, तो ये सब बैलेंस आ गया अपना। अब अपने पास थर्ड रियलाइजेशन, थर्ड रियलाइजेशन, चलो बेटा थर्ड रियलाइजेशन का कितना आया अपने पास, इधर देख लो, थर्ड रियलाइजेशन में वी गॉट 20,000, ध्यान देना जरा, थर्ड रियलाइजेशन में अपने पास कितना आया है 20,000, और थर्ड रियलाइजेशन में भी एक चीज याद रखना, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ 3,000, आपने प्रोविजन कितना किया था 4,000, तो 1,000 और बढ़ जाएगा ना कैश अपना, क्योंकि आपने पहले प्रोविजन किया था रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए 4,000 रुपीज माइनस किया, बट एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है सिर्फ 3,000, तो 1,000 रुपया सेव हो गया ना, तो वो कैश में एड हो जाएगा ना बेटा, दैट्स इट। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में 20,000 प्लस 1,000 जो एक्सेस प्रोविजन किया था, तो टोटल कैश आ जाएगा आपके पास 21। तो कैसे दिखाना है, रियलाइजेशन कितना हो गया 20, बराबर है, उसके बाद क्या करना है आपको, एड व्हाट, एड व्हाट, एक्सेस प्रोविजन, अटेंडेंस डाल देना सब लोग अपना, एड एक्सेस प्रोविजन, एक्सेस प्रोविजन मेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस, एक्सेस प्रोविजन जो किया था आपने 4,000 माइनस एक्चुअल हुआ है 3, तो 1,000 ऐड हो गया, तो टोटल कैश अपने पास अवेलेबिलिटी कितनी हो गई 21,000, दैट्स इट, 21,000 का कैश अवेलेबल हो गया। ठीक है चलो अब ये जो 21,000 का कैश है, तो क्या पे करना है अपने को, पार्टनर्स कैपिटल, तो पेड टू ऑल इन पीएसआर, दैट इज 5:3:2,
21,000, चलो पे कर दो 21,000 को 5:3:2 में, तो कितना आ रहा है 10,500. पार्टनर्स को पे करो ना, पे टू ऑल 10,500, 6,300 और लास्ट में 4,200. वेरी गुड. चलो अब फाइनली कैश खत्म हो गया, इधर भी बैलेंस निकाल लो. अब बेटा जो बैलेंस निकालोगे ना आप, जो बैलेंस आएगा आपका, आ जाओ अभी देखो, ध्यान देना. सी 27 माइनस 10,500 बैलेंस है, देखो इधर तो नील हो गया, बराबर है. इधर कितना रहा? अभी तो कैश कुछ बचा ही नहीं है ना, अपने पास कुछ कैश है क्या अभी? अब तो कोई रियलाइजेशन भी नहीं है, कैश नील हो गया, आगे कोई रियलाइजेशन ही नहीं है. तो चलो कितना रहा बैलेंस, 16,500, सेकेंड वन 9,900 और लास्ट वन 6,600. बराबर हो गया, फिनिश. अभी देखो पार्टनर्स कैपिटल का इतना बैलेंस बाकी है. सुनील का 16,500 नहीं पे हो पाया, 9,900 अनिल का पे नहीं कर पाए आप, 6,600 अपना नील का पे नहीं कर पाए. तो दिस बैलेंस इज नोन एज व्हाट? अनपेड बैलेंस. बराबर है, अनपेड बैलेंसेस, राइट. मतलब पार्टनर्स कैपिटल का इतना बैलेंस अभी भी बाकी है और पैसा खत्म हो गया, कुछ रिलेशन नहीं है और यहाँ सम भी खत्म. दैट्स इट. तो ऐसे आपको पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश करना है, बराबर. तो ये सम सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्टिंग से लास्ट तक, आज बैठ के घर पे स्टार्टिंग से लेके स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल से लेके लास्ट तक, ठीक है. तो ऐसे ही अपने को पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश करना है. दैट्स इट. ये हुआ इधर सम, फिनिश.